Now this is the next problem. We are looking for the solution of this problem. A और B किसी काम को मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं. B उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में कर सकता है. शेष 12 दिन में कर सकता है. अकेला A शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अगर हम इसको देखते हैं तो एक इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि A और B दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं. B 1/3 भाग को 12 दिन में कर लेता है. तो मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम करते हैं कि टोटल वर्क फाइंड करने की कोशिश करते हैं. लेट 24 इज अ टोटल वर्क, ये मान के चलते हैं कि टोटल वर्क. अब 24 यूनिट को ए जमा बी आपस में मिलके दोनों 24 डेज में करते हैं. एक दिन में एक यूनिट करते होंगे, लेकिन वो कह रहा है कि जो बी है वो 1/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है. एक हिस्से को 12 दिन में करता है, तीन हिस्से को कितने दिन में करेगा? 12 दिन 36 दिन में. तो बीज एफिशिएंसी 1 यूनिट करता है 12 दिन में, 2 यूनिट करेगा 24 दिन में, 3 यूनिट करेगा 36 दिन में. 36 दिन में करनी, बी अपने काम को 36 दिन में करता है. ठीक है, अब हम अगर देखते हैं ए कितने दिन में करेगा. ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये करते हैं काम को 24 दिन में. ठीक है, और बी अकेला करता है 36 दिन में. तो ए जमा बी इज इक्वल टू 24. अगर हम ए निकालने की कोशिश करेंगे तो 24 माइनस बी, अगर वर्क की फॉर्म में है तो 1/24 माइनस 1/36 भी लिख सकते हैं. इनका एलसीएम 72 आ जाएगा. 24 3 72, 36 2 72, यानी 1/72 72 डेज में. 72 डेज में बोथ मिलके करते हैं, लेकिन कहता है कि अकेला जो है सी उस काम को कितने टाइम में करेगा. ठीक है, तो जब सी उसे करेगा और शेष वर्क को, क्वेश्चन सेइंग कि शेष कार्य को कितने दिन में अकेला ए पूरा कर सकता है. तो ए उसे 72 दिन में कर रहा है अकेला. ए जो अपने कार्य को कर रहा है, दैट इज़ अ 72 डेज. ठीक है, और शेष कार्य कितना बच गया, क्योंकि अगर शेष कार्य की बात करें तो बी ने जो काम किया था वो क्या था, 1/3. बी जो कार्य कर रहा था वो 1/3 कर रहा था, बीज वर्क था 1/3. तो रिमेनिंग वर्क कितना था, रिमेनिंग वर्क 1 - 1/3, यानी 2/3, ये रिमेनिंग वर्क है. और अगर ये रिमेनिंग वर्क है तो 72 जो यूनिट्स हमारे पास बची, 72 यूनिट्स का 2/3 कितना भाग हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, यानी 48 डेज मैं उसे ए करेगा, ए कंप्लीट इट. तो ए उसे करेगा 48 दिन के अंदर. ठीक है, सो दैट इज़ द राइट सॉल्यूशन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम. ए और बी मिलके किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, बी 1/3 में करता है. अब ए और बी अगर देखे तो मन के चल 24 यूनिट वर्क है, ये 24 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी इतनी है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. ओके, सो हियर इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम. दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स एंड द क्वेश्चन इज दैट ए बी मिलके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं. वो एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है. यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन लगे और ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आंसर आता है इसका 45. तो लेट सी द सॉल्यूशन इज हियर.
सॉल्यूशन क्या कहता है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि ए कार्य को 15 दिन में ए और बी मिलके करते हैं। लेट की 15 यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क है, 15 यूनिट्स टोटल वर्क है, और ए जमा बी मिलके उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। 1 दिन में 1 यूनिट्स करते हैं, यानी ए जमा बी मिलके 1 घंटे कार्य को 1 दिन में पूरा कर, 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करते हैं ए और बी मिलके। अब ये कहता है कि इन्होंने 5 डेज कार्य मिलके किया, 5 दिन मिलके कार्य करते हैं, वो एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब 5 दिन कार्य इन्होंने एक साथ करा होगा, 1 दिन में कितना करते हैं, 1 यूनिट करते हैं, तो 5 डेज कितने, 5 डेज वर्क वर्क ऑफ ए जमा बी, तो 5 × 1 यूनिट यानी 5 यूनिट्स काम हो गया, 5 यूनिट। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग वर्क की। रिमेनिंग वर्क कितना काम बचा, अगर रिमेनिंग वर्क देखते हैं, हमारे पास टोटल तो 15 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स हो गई, तो हमारे पास 15 - 5 यानी 10 यूनिट्स बच गए, 10 यूनिट्स रिमेनिंग रहते हैं, 10 यूनिट्स। अब हमारे पास 10 यूनिट्स काम बच गया। कहता है कि बी उसे 15 दिन में करता है, 15 डेज में बी जो होता है 10 यूनिट्स कंप्लीट करता है, कंप्लीट। 1 डे में कितना करेगा, 1 डे वर्क ऑफ बी 10/15 यानी 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। अब कहता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितना वर्क लगाएगा, तो ए कितना टाइम लगाता है, ए जमा बी 1 यूनिट्स करते हैं, ए जमा बी इज इक्वल टू 1, ए निकालेंगे तो 1 - दिस इज 2/3 यानी 2/3 जो कितना आ जाएगा, 3 × 3, 3 + 2 तो 1/3, तो ए डन ऑल वर्क इन टाइम ऑफ 15 यूनिट्स हैं, 1/3 ये करता है तो 15 × ऊपर चला जाएगा, 45 दिन में करेगा, 45 डेज। सो दैट इज द 45 डेज इज आंसर। ओके, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड दिस इज अ क्वेश्चन। ए भी मिलके किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते थे, वो 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है ए, शेष कार्य भी 15 दिन में करता है, ए अकेला 45 दिन में करेगा, और कैसे करेगा, दिस इज कि 15 यूनिट्स माने टोटल वर्क है, दोनों मिलके 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करते हैं, 1 दिन में उन्होंने इतना कार्य किया, रिमेनिंग वर्क 10 यूनिट बच गया 5 यूनिट करने के बाद, वो 10 यूनिट बी 15 दिन में करता है, उनका बी की एफिशिएंसी 2/3 आ जाती है निकल के, और फिर बी के जो 2/3 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1/3, तो ए जो है 15 यूनिट को कितने करेगा, 45 डेज में, 45 डेज, दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हियर वी हैव सीन द प्रॉब्लम्स। ए और बी मिलके कोई कार्य को 20 दिन में करते हैं, वे एक साथ कार्य करते हैं, 4 दिनों बाद ए छोड़ देता है, शेष कार्य भी अकेला 24 दिन में कंप्लीट करता है, ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगर हम लोग देखें कि टोटल कार्य मान लेते हैं 20 है और उस दोनों को मिलके कार्य करते हैं वो इतने दिन में, एक सॉल्यूशन अगर देखें तो मैंने यहाँ पे किया है। सो लेट अस कंसीडर कि 20 यूनिट टोटल वर्क, ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को करते हैं 20 दिन में, 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करेंगे, तो 4 डेज मिलके काम करें तो 4 यूनिट काम कर लिया, बच कितना के, 20 में 4 के 16 यूनिट वर्क है। अब 16 यूनिट काम को 24 दिन में करता है बी, ठीक है, यही तो कहता है कि जो बी अकेले 24 दिन में कार्य करता है, जो कार्य शेष बचा था, शेष कार्य तो 16 यूनिट बच गया, 16 दिन, 16 यूनिट कितने दिन में होती है, 24 यूनिट में होती है, 16 जो यूनिट्स बच गए 24 दिन में, 1 दिन में कितने होगी, 24/16, और फिर ये अगर हम लोग निकालेंगे तो इसे काट लेंगे, 3/2 हो जाएगा। अब कहता है कि ए संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए का वर्क कितना हो गया है,
ए और बी उतना है, तो एज वर्क कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/3, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। तो जब ये 1/3 हो गया तो ये ए का वर्क हो गया। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 20 यूनिट टोटल वर्क है, 20 यूनिट। इस 20 यूनिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे जो ए का वर्क है 1/3 से, तो 20/1/3 ये प्लेट के ऊपर जाएगा, 60 यूनिट, यानी दिस इज़ द आंसर, 60 यूनिट आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द राइट आंसर इफ यू सी, एंड हेयर इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो, ओके। सो दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम, दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम्स हेयर। 4 पुरुष 5 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष 4 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 8 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कर सकते हैं। दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम लोग बात करें तो 4 मैन जो होंगे और 5 वुमेन, एक कार्य है उसको 10 डेज में करते हैं, जबकि 5 मैन और 4 वुमेन उसको 8 दिन में करते हैं, ठीक है। पहले इसकी हम एफिशिएंसीज काउंट कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 चौक 20 मैन जमा 5 पंजे 25 वुमेन इज इक्वल टू 4 पंजे 20 मैन प्लस 4 चौक 16 वुमेन, ठीक है। एफिशिएंसीज निकालें तो इधर आ जाएगी, तो 0 मैन इज इक्वल टू 9 वुमेन के बराबर हो जाएगा, यानी मैन अपॉन वुमेन निकालें तो 9/0, ठीक है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अब हम क्या कर सकते हैं, सो नाउ हम लोग कोशिश करते हैं कि टोटल जो है वर्क निकालें, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि 8 पुरुष और 8 वुमेन काम को कितने दिन में करेंगी। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कार्य कर सकती है, तो 8 8 मैन और 8 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं कार्य को। 8 मैन का मतलब है 9 और 8 वुमेन का मतलब 0 वुमेन की एफिशिएंसी है, और टोटल वर्क अगर हम लोग निकालें किसी एक का भी उठा लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं इसी का हम अगर टोटल वर्क निकालें, तो ये अगर टोटल वर्क हम इसका देखते हैं तो 4 इंटू मैन तो 9 है, जब 4 इंटू वुमेन 0 है, तो इसको 8 टाइम लगता है, नहीं सॉरी, ये 1 को भी हम ले सकते हैं, लेट अस मैं इसको ले लेता हूँ, इस वाले पार्ट को, और इससे अगर हम टोटल वर्क काउंट करने की कोशिश करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 4 मैन है तो 4 इंटू मैन 9 है, 5 वुमेन है, वुमेन 0 है, तो इनको 10 दिन लगते हैं, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 36 इंटू 10 360, ये आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया 360, तो दिस इज़ अ टोटल वर्क, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो अभी कितने दिन में करेंगे, अगर हम लोग निकालते हैं तो 360 वर्क को 8 9 72, 36 10 बार 36 2 2 5, 5 डेज में होगा, दिस इज द आंसर, ओके। सो अगर हम लोग यहाँ बेसिकली हमने टोटल वर्क निकाल लिया, मैन की जगह वैल्यू वुमेन की जगह 0 आ रहा था, जब हम इनको कंपेयर करे थे उनकी एफिशिएंसीज को, क्योंकि 4 वुमेन 5 वुमेन 10 दिन में करे थे, 5 वुमेन 4 वुमेन 8 दिन में करे थे, दोनों निकाले तो 0 वुमेन 9 वुमेन के बराबर हो गया, तो ये एफिशिएंसी निकल गई, मैन 9 हो गया, वुमेन 0 हो गया, तो 8 वुमेन और 8 मैन कितने दिन में करेंगे कार्य को। तो टोटल वर्क निकाला फिर हमने यहाँ से, 4 मैन में जगह 9 धर दिया, 5 वुमेन की जगह 0 धर दिया, और मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो टोटल वर्क 316 हो गया, 60 हो गया, तो टोटल वर्क 360 को 72 से डिवाइड कर दिया, तो 5 यूनिट्स 5 डेज में करेगा। और अगर हम लोग ये आंसर आपको दिखाएं तो दिस इज़ द राइट आंसर दैट यू हैव सीन, आंसर नंबर सी अगर हम लोग कहें,
So that is here is also the solution. You can also take the second side of this one. Okay, so this is a question. And the problem is कि 16 आदमी, ये हम क्वेश्चन करेंगे, 16 आदमी 15 वोमेन किसी कार्य को 24 दिन में सोलह आदमी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, 24 बच्चे 20 दिन में करते हैं, 8 आदमी और 8 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया गया तो हम ऐसे निकालते हैं, मान लीजिए अगर सोल्यूशन समझाएं इसका, सोल्यूशन व्हाट इज़ अ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन है कि 16 मैन एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, वही 24 बॉयज़ हैं वो एक काम कार्य को 20 डेज में कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 24 चिल्ड्रन है। ठीक है, इनकी अगर एफिशिएंसीज हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 15, 5 6 20, 4 6 16, ठीक है, 4 6 24, 3 1 3 2 6, यानी 1 man = 2 children के बराबर है, ये इसकी एफिशिएंसी है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैन अपॉन चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2/1। अब हम एक इम्पॉर्टेंट काम ये करेंगे कि जैसे क्वेश्चन में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है कि 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरे करेंगे, मतलब 8 बॉयज़ और 8 मैन कितने दिन में करेंगे। पहले ये टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं, टोटल वर्क क्या है, और जब हम टोटल वर्क के बारे में बात करेंगे तो टोटल वर्क क्या है, किसी भी को भी एक रिस्पेक्ट दे देंगे। 8 into boys की अगर हम लोग बात करते हैं तो boys के हैं या चिल्ड्रन के हैं, ठीक है। तो हम अगर देखें कि यहाँ अगर इसमें 4 टाइम की मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 4 की करनी पड़ेगी, तो 8 चिल्ड्रंस विच इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, 4 man = 8 चिल्ड्रंस हो जाएगा। तो 8 जो चिल्ड्रंस हैं इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 8 जो चिल्ड्रंस, यानी आप देख रहे हो कि 8 चिल्ड्रंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 मैन को भी, 4 मैन जमा 8 मैन है ही, मैन का रिस्पेक्ट बन गया, और मैन कार्य जो करता है वो 16 मैन जो हैं वो 15 दिन में करता है, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैन के रिस्पेक्ट में आंसर फाइंड करना पड़ेगा, 16 into 15 upon 8 4 12, चार 3 12, 4 6 16, और 3 5 15, 15 6 60, तो ये 16 आएगा, यही हमारा आंसर होगा, एंड दैट इज़ ऑल राइट कि जो मैन होगा यानी ये कार्य जो है 16 डेज में करेंगे, नहीं 16 नहीं, 5 6 20 दिन में, सॉरी ये तो कट गया ना, 5 बज गया, और 5 6 20 दिन में करेंगे, तो 20 डेज में करेंगे 8 मैन और 8 चिल्ड्रंस वर्क को। दिस इज द क्वेश्चन, ओके, you can take the screenshot of this problem here, and this is your questions. क्वेश्चन कहता है कि 3 पुरुष 5 स्त्रियां कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष और 5 स्त्रियों को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, यानी दिस इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ये है कि या तो 3 men एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, या फिर 5 women एक कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं, तो ये तो इससे कट जाएगा, अगर एफिशिएंसीज कैलकुलेट करें तो 3 men = 5 women के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 men और 5 women कितने दिन में करेगी, 6 men और 5 women कितने दिन में करेंगे, दिस इज़ अ क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 की इधर भी कर देता हूँ,
मतलब 6 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन हो जाएगा, जो नंबर 2 दे देते हैं। तो 6 मैन की जगह 10 वुमेन रख देते हैं और 5 वुमेन हमारे पास हुई, और वुमेन का वर्क कितना है, दिस इज कि 5 वुमेन है, 12 दिन में करती हैं, दिस इज अ टोटल वर्क, टोटल वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन। ओके, अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो 5 × 12 डिवाइड बाई 15, 5 × 3 = 15, 3 × 4 = 12, तो 4 डेज में करेंगे ये मिलके। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव सीन द सॉल्यूशन एंड द प्रॉब्लम इज हियर। ओके, सो हियर इज द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव सीन एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। So this is a complete solution in the problem here. गाइज, आज हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम के बारे में। मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकूँ अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में हेल्प हो सके। और वर्क एंड टाइम की ये हम एडवांस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। सीधे चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम क्या कहती है कि एक काम को 18 दिन में और बी 36 दिन में कर सकता है, यदि वे 9 दिन में मिलके काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष रहेगा। सो दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ए तो करता है एक काम को, ए करता है 18 दिन में और बी करता है 36 दिन में। ठीक है, एंड अगर हम लोग इन दोनों के एलसीएम की बात करें, एलसीएम एलसीएम ऑफ बोथ, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। मान लेते हैं कि ये 36 टोटल वर्क है, दिस इज़ अ टोटल वर्क, तो ये एलसीएम टोटल वर्क 36 हो जाएगा। इस 36 यूनिट में से ए और बी काम करते हैं, ए 18 में कर देता है और बी जो करता है वो 36 दिन में करता है। ये 1 टाइम एफिशिएंट है, ये 2 टाइम फास्ट करता है, ये 2 टाइम टाइम लगाता है, ये इससे ज़्यादा एफिशिएंट, ये 1 टाइम एफिशिएंट है, ये 2 टाइम एफिशिएंट है, अगर हम लोग टोटल वर्क में बात करते हैं इनको लेके। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि 1 डेज का दोनों का वर्क क्या है, ये तो एक दिन में, ये जो ए है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और ये करता है एक दिन में 1 यूनिट काम, तो टोटल वर्क इन 1 डे, 1 डे में जो टोटल वर्क है वो 2 + 1 यानी 3 यूनिट्स हो जाएगा, 3 यूनिट टोटल हो जाएगा एक दिन के अंदर। अब 9 डेज इन्होंने मिलके काम किया, देन 9 डे वर्क, अगर हम 9 डे वर्क की बात करेंगे तो 9 × 3 यानी ये 27 यूनिट काम हो गया। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क हम लोग बात करते हैं, रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा, तो रिमेनिंग जो वर्क बचा हमारे पास, 36 यूनिट्स टोटल थे, 27/36 हमने कर लिया, रिमेनिंग ही वर्क बच जाएगा, यानी कितना, अगर हम इसे काटने की कोशिश करें तो 3 × 27, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3/4 यूनिट्स काम बच जाता है। ठीक है, दिस इज आंसर, 3/4 यूनिट्स काम बच गया, यानी अगर हम इस काम को अगर प्रतिशत में देखते हैं कि कितना प्रतिशत काम रह गया है, तो हमारे पास 3/4 × 100 कर लेंगे, परसेंटेज में निकाल लेंगे, 4 × 25 = 25, 3 = 75, तो ये 75 यूनिट जो काम है ये हमारा कंप्लीट शेष काम बच गया है, ये काम हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड वर्क है ये। रिमेनिंग जो वर्क बचेगा, रिमेनिंग वर्क वो बचेगा 100 - 75 यानी 25 यूनिट काम रह जाएगा।
तो अगर हम लोग आंसर को देखें तो रिमेनिंग जो वर्क होगा वो 25 यूनिट बचेगा, यानी 25 यूनिट्स, 100 टोटल यूनिट काम था, 100 में से 75 गया तो 25 यूनिट काम बच गया। सो दिस इज़ ऑल राइट, और ये है हमारा वो क्वेश्चन। सो दैट इज़ व्हाट इज़ आंसर। अगर हम लोग आंसर की बात करेंगे, दिस इज़ द राइट आंसर, सी डी। ओके गाइस, सो हियर इज़ अगेन आई वांट टू शो यू द सॉल्यूशन। एडवांस प्रॉब्लम इज़ द मैथमेटिक्स। ए करता है 18 दिन में और बी करता है 36 दिन में। टोटल वर्क हमारे पास इतना है, दोनों एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, और ये कर दोनों 9 दिन में 27 यूनिट काम कर लेते हैं, तो बच काम कितना गया 27, काम कंप्लीट कितना होगा 27/36, यानी 3/4। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे, सो दैट इज़ द परसेंटेज, अगर हम लोग परसेंटेज इसकी कैलकुलेट करेंगे, 3/4 × 100, यानी 75% काम हो गया, और 100 में से 75 गए तो 25% काम जो है बच गया, 25%। सो दैट इज़ द रिमेनिंग वर्क। ओके, हेयर इज़ द सोल्यूशन। प्रॉब्लम ए बी सी अकेले किसी कार्य को 12 दिन, 30 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है, पूरा कार्य कितने दिन में होगा? देखो, अगर ए बी सी और का तीनों का एलसीएम ले तो ये देखने को मिलता है कि तीनों का सोल्यूशन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो क्या बनता है। मान के चलते हैं कि 60 यूनिट इनका एलसीएम आता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए करता है 20 दिन में, ये करता है 30 दिन में, और ये करता है ये 60 दिन में, यानी ये 1 टाइम एफिशिएंट है, 2 टाइम है, और ये 3 टाइम एफिशिएंट है। अब वो कहता है कि 20, 30, 60 दिन में ए अकेले कार्य करता है किंतु हर तीसरे दिन बी और सी कार्य करता है। देखो, वन डे वर्क ऑफ ए 3 यूनिट, दूसरे दिन भी 3 यूनिट करी, इन 2 दिन में इसने 6 यूनिट की, एंड थर्ड डे में क्या हुआ, थर्ड डे में इसने खुद ने 3 यूनिट करी और इन दोनों ने भी 2 और 1 3 यूनिट कर ली, यानी 6 यूनिट काम किया, वर्क हुआ थर्ड डे में। टोटल वर्क इन 3 डेज, 6 × 6 = 12 यूनिट्स हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 12 यूनिट। वन डे वर्क कितना हो जाएगा, वन डे वर्क, क्योंकि ये तो 12 यूनिट 3 दिन का है, तो वन डे कितना हो जाएगा, 12/3, यानी 4 यूनिट एक दिन में करता है। देन द 60 यूनिट्स डन भाई, 60 यूनिट टोटल वर्क है, तो 60 यूनिट डन इन 60/4, 15 दिन में। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, 15 डेज में। सो हेयर इज, अगर हम लोग बात करें तो आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो हेयर इज़ द सोल्यूशन, एंड दिस इज़ टोटल वर्क की बात करें तो ये है। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन में ये है कि 60 यूनिट टोटल वर्क है, ए 60 टाइम एफिशिएंट है, बी 30 टाइम, और ये 20 टाइम है। यानी अगर हम लोग बात करें, वन डे वर्क इनका 3 यूनिट था, अकेला करता था एक दिन में, और दूसरे दिन 3 यूनिट करें, इन 2 दिन में 6 यूनिट काम किया, तीसरे दिन में वो उन दोनों ने मिलके 1 और 1 3 यूनिट और मिला दिया, तो ये टोटल यूनिट जो उन्होंने काम किया 3 डेज के अंदर, 2 दिन में, तीसरे दिन 6 यूनिट हो गया, 6 वो पहले 2 दिन में कर रहा था, तो 12 यूनिट्स टोटल काम हो गया, 12 यूनिट। तो वन डे का वर्क है 12/3 × 4 यूनिट, तो 60 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क था, और वो 15/7 हम डिवाइड कर देंगे, एंड दिस इज़ आंसर हो जाएगा आपका, और यही है द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वर्क कैपेबिलिटीज़ बेस्ड क्वेश्चन है ये, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न हम कह सकते हैं। बसीर जो है एक कार्य को करने में दुगना अच्छा कामगार है, बसी आसिफ बसीर से दुगना अच्छे, दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, आसिफ अकेला कितने दिन में करेगा?
वो बहुत ही सिंपल सी है, अगर हम लोग इसका सोल्यूशन आपको दिखाने की कोशिश करें। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, वी है कि आसिफ और बशीर, आसिफ 2 टाइम है और बशीर 1 टाइम एफिशिएंट है। दिस इज़ अ वर्किंग कैपेबिलिटीज़, ये वर्किंग कैपेबिलिटी हैं। और अगर हम टाइम कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं टाइम की, तो टाइम हमेशा उल्टा होता है, तो ये 1 और 2, क्योंकि टाइम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/अपॉन वर्क, या हम कहें कि वर्क जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/अपॉन टाइम के, तो इसलिए ये ऐसा हम चलते हैं। तो जो वहाँ वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं ये, और टाइम कैपेबिलिटीज़ हो जाएंगी। तो कहता है कि दोनों मिलके 60 दिन लगाते हैं, तो अगर हम लोग कहें कि टोटल वर्क निकालने की बात करें, टोटल वर्क कितने में होगा, तो ये दोनों, ये टाइम एफिशिएंसी दे हैं, 3 यूनिट्स करते हैं 1 डेज़ में, तो 3 यूनिट 1 डेज़ में, 1 डे वर्क जो होता है वो 3 यूनिट्स का होता है ए जमा बी का, तो 30 डेज़ में कितना होगा, 30 डे का वर्क जो होगा वो 3 × 30 यानी 90 यूनिट्स हो जाएगा, 90 यूनिट। कहता है कि दोनों, आसिफ अकेला कितना कर सकते हैं, तो आसिफ की बात करें तो आसिफ जो है वो 2 टाइम एफिशिएंट है, मतलब वर्किंग कैपेबिलिटी में, तो इसलिए जब आसिफ की वर्क की बात कर रहा है कि आसिफ कितने टाइम में करेगा, तो आसिफ 90/2 में करेगा यानी 45 में करेगा। दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट तरीका दूसरा, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मान लेते कि जैसे ये इनकी एफिशिएंसीज हैं, हम जैसे ये देखा कि ये तो वर्किंग कैपेबिलिटी है, ये इसकी एफिशिएंसी है, ये इसके टाइम एफिशिएंसीज होती है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे 1/x, मतलब आसिफ का है 1/2x इसका, तो इनको लगता है 1/30 डेज़, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है, और वो 45 डेज़ आ जाएगा। सो दैट इज़ वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस क्वेश्चन बाई यूजिंग दिस इज़ अनोदर मेथड, हम कहेंगे अनोदर मेथड इफ़ यू कैन से दैट, मतलब एक मेथड ये भी है और एक सिंपल मेथड है कि हमारे पास दिस इज़ द आशिफ की टाइम कैपेबिलिटी, टाइम कैपेबिलिटीज एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। यू कैन टेक द सेकेंड सॉर्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड हेयर इज़ द प्रॉब्लम्स, ओके। दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वी हैव सीन हियर, एंड द क्वेश्चन इज़ दैट कि रमन की क्षमता मनन से 3 गुना है, रमन एक कार्य को करने में 60 दिन कम लेता है, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं। आंसर आता है 22.5। अब देखते हैं कैसे, मान के चलते हैं कि जो रमन है, रमन और मनन की बात करते हैं, मान के चले कि रमन 3x टाइम एफिशिएंट है, तो ये एक्स टाइम है, दिस इज़ अ वर्किंग कैपेबिलिटीज़ एंड दिस इज़ अ टाइम कैपेबिलिटीज़, टाइम में उल्टा होता है, ठीक है। कहते हैं कि 3x से -x 60 डेज़ कम समय लेता है, तो 2x इज इक्वल टू कितना है 60, x इज इक्वल टू कितना है 30। अगर हम लोग अब रमन का और मनन का कार्य देखते हैं, तो इसका करी 3x से x की वैल्यू रखेंगे तो ये तो 90 हो जाएगा, और इसमें यहाँ रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 90 यूनिट्स बनते हैं, ये तो 90 टाइम करता है, ये 30 टाइम करता है, ये है रमन और ये है मनन, ये 3 टाइम एफिशिएंट है, ये 1 टाइम एफिशिएंट है। कहता है कि तो दोनों मिलके कार्य करते हैं, क्वेश्चन इज़ व्हाट सही, क्वेश्चन कहता है कि अगर दोनों मिलके कार्य करते हैं तो कितने टाइम में करेंगे, अगर दोनों यहाँ पे मिलके कार्य के मिलके कितना करते हैं एक दिन में, 1 और 3 4 यूनिट्स करते हैं, 1 डे वर्क ऑफ रमन एंड मनन 4 यूनिट्स करते हैं, तो 90 जो यूनिट्स होगा, 90 यूनिट कंप्लीटेड इन 90/4,
जो 22.4 के 5 के बराबर होते हैं, एंड दिस इज द राइट आंसर. ओके, सो हियर इज दिस, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन. यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. हियर इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड दिस इज द एक्चुअली क्वेश्चन दैट वी हैव टॉकिंग हियर. ओके, देर इज अनदर क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम. राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है, तो राम 5 टाइम और रोहित 15 टाइम एफिशिएंट हो जाएगा. कहता है कि राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम समय लगता है. बिल्कुल यही है, 5x - x कर लेंगे और फिर इनकी एक अपनी अपनी एक वैल्यूज निकल जाएगी. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है. और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं इसी में ही. कहता है कि अगर ये क्वेश्चंस आपको करने को मिलेगा तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. पी से एक 20% अधिक कार्य कुशल है, क्यू किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो पी अकेले कितने दिन में करेगा. सो दैट इज़, अगर हम लोग देखें पी 120 और ये 100% हो जाएगा 6 ओवर वर्क. अब क्योंकि 10 दिन में मिल के कार्य करते हैं, यानी एक दिन में कितना करते हैं दोनों, 10 यूनिट कार्य करते हैं. ठीक है, तो इनका जो टोटल वर्क है 1000 हो जाएगा. दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट प्रॉब्लम. हेयर इज दैट ए एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य करता है, वह दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है. आंसर आता है 90. अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर हम लोग करें ए और बी ले लेते हैं. द क्वेश्चन इज कि ए जो होगा वो 3 टाइम एफिशिएंट है, और ये तो है वर्किंग कैपेबिलिटीज़ और ये है टाइम कैपेबिलिटीज़, 1 और 3. अब कहते हैं कि वो जो है वो दोनों मिलकर 2/9 भाग करते हैं, 2/9 भाग 9 दिन में, यानी 1 भाग 4.5 दिन में करा होगा, तो 5 भाग कितना, 2/5 पार्ट्स करते हैं इन 9 डेज. 1 पार्ट कितने करेंगे, 4.5 डेज में. 5 पार्ट टोटल कितने में कर देंगे, 22.5 दिन में. ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं टोटल दोनों मिलके करते हैं, तो 8 करता है 1 यूनिट, ये 3 यूनिट करता है, तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं टोटल वर्क फाइंड करने की. 4 × 22.5 जो होता है 90 के बराबर, 90 यूनिट्स क्या टोटल वर्क. कहता है कि उस यूनिट को बी कितने टाइम में करेगा, तो बी कितने में करता है, एक्स एक्स टाइम करता है या 1 टाइम में करता है. तो टोटल वर्क डन बाई बी 90/1, जो 90 हो जाएगा, तो दैट इज क्या है आंसर. यू कैन टेक द सेकेंड सॉर्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. टोटल यूनिट्स है एंड दिस इज वर्किंग कैपेबिलिटीज एंड दिस इज अ टाइम एफिशियंसीज. 2/9, 5/9 में हो रहा, तो 1 पार्ट डेफिनेटली 2/5/9 में हो जाएगा, यानी 4.5 पार्ट में हो जाएगा. 5 पार्ट कितने होंगे, 22.5 में. टोटल वर्क हो जाएगा 22.5 और 4, 90 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 4 यूनिट्स कार्य करते हैं. ठीक है, 4 यूनिट करते हैं, तो इसलिए 4 और 22.5 को मल्टीप्ल 90 यूनिट. अब बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 90 यूनिट्स को काम करें 90/1 में, यानी 90 दिन में करेगा. एंड दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड हियर इज़ द प्रॉब्लम. ओके, सो दैट इज़ वेरी राइट प्रॉब्लम्स. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम्स दैट यू हैव सीन. व्हाट इज़ द क्वेश्चंस एक्चुअली यू वांट टू सी, कि बी जितना कार्य करता है ए उसकी तुलना में आधे कार्य ज़्यादा कर लेता है, तदनुसार दोनों बी अकेला कार्य 18 दिन में कर सकता है, वो दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं. तो हियर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए जो है वो करता है, बी करता है एक दिन में, वो आधा ज़्यादा कर लेता है, 1 से 1/2 यानी 3x/2, और ये एक्स हो जाएगी, ये इनके
वर्किंग कैपेबिलिटीज़ है और ये इसकी टाइम होता है उल्टा एक्स, सही एक्स इधर हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। कहते हैं कि बी यानी 3x/2 18 दिन में करता है, तो दिस इज़ 3x/2 18 दिन में कर दी, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। फिर एक्स की वैल्यू को हम इधर रख देंगे वर्किंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ ए एंड बी में, तो यहाँ से ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी ए और बी। ए करेगा फिर 18 दिन में और बी करेगा इतने दिन में। पर क्वेश्चन पूछता है कि वो दोनों मिलके कितना करेंगे। अब देखो मिलके करेंगे तो हम सीधा कर सकते हैं 1/18 + 1/12, और हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ है। दिस इज़ जैसे ये एक सॉल्यूशन है कि 1/18 × 1/18 ऐसे हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी राइट प्रॉब्लम्स, और हियर इज़ अ क्वेश्चन दैट यू हैव सीन, एंड दैट इज़ अ कम्प्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन इफ यू कैन सी हियर, एंड दिस इज़ द आंसर्स इज डी हियर। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, किसी कार्य को करने में एक आदमी एक औरत से दुगनी तेज़ी से करता है, औरत एक लड़के से दुगनी तेज़ी से करती है, यदि आदमी औरत और लड़का मिलकर उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज़ टू सोल्यूशंस गिविन ऑफ यू, बट माई सोल्यूशन इज़ दिस इज ओके। सो हियर इज दैट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, लेट द वोमेंस औरत और लड़का यहाँ पे अगर आपको दे दी जाए कि ये हैं, और ये फिर मैन वोमेन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस बना लिया मैन वोमेन और बॉयज़ का, क्योंकि मैन 2 टाइम्स है तो औरत 1 है, औरत 2 है तो लड़का 1 है, तो मैन वोमेन और बॉयज़ 2 to 1, 2 to 1 हो जाएगा। हम ऐसे चलते हैं 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को अगर तीनों को जोड़ दें तो इस तरह से कुछ सॉल्यूशन बनेगा x = 49, क्योंकि फिर ये तीनों को तीनों मिल जाएंगे 1/4x फिर x = तभी एक मिलकर करता है। बट एक्चुअली दिस इज़ द रेशियो, वो मैन 2 टाइम एफिशिएंट है वुमेन से और वुमेन 2 टाइम है बॉयज़ से। ये हम ऐसे चलते हैं ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जिग जैग मोशन में, और फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज़ द राइट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स गिविन ऑफ यू, दैट इज़ द क्वेश्चन इज दिस इज ओके। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, बी अकेले कार्य को 42 दिन में कर सकता है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ हियर, ए और बी को अगर हम लोग देखते हैं कि ए 140% ज़्यादा है तो 140 हो जाएगा और बी 100 हो जाएगा, काट लेते हैं तो 7 और 5। ये वर्किंग एफिशिएंसी है, ये टाइम एफिशिएंसी है, तो टाइम बी जो है वो 42 टाइम लेता है, तो x = 6। और तो ए कितने में, तो ए डन इट इन 5 × 6 दैट इज 30 यूनिट, एंड दिस इज अ क्वेश्चन एंड द आंसर इज 30। एंड द अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज हियर, अगर हम दूसरे तरीके से इसको करना चाहें तो ए जो होगा 42 टाइम एंड बी 30 टाइम, वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ बोथ, एलसीएम ऑफ ए एंड बी 42, बिकॉज 6 इज देयर एंड 6 × 7 = 42 एंड 6 × 5 = 30, तो ए हो गया 42 और ये, क्योंकि ये एक्चुअली में 7x था और ये था 5x, तो ये जो वैल्यू 6 की जो वैल्यू आई थी यहाँ से, ये जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 42 और ये 30, एलसीएम दोनों का आएगा 1260। तो 1260 डन बाई द ए, ए कितना है 42, तो इसे जब काटेंगे तो ये भी 30 आए। दिस इज आल्सो दिस इज अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, यू कैन टेक आल्सो सेकंड सॉल्व ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हियर इज अ प्रॉब्लम। सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन, शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तानिया उसे 25% अधिक दक्ष है, तो काम को तानिया कितने दिन में करेगी। आंसर है 16 डेज, और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखें तो एक तो है शशि और दूसरी है तानिया। क्वेश्चन ये है कि शशि जो है, तानिया अगर हर शशि
100% एफिशिएंट है तो तानिया 125, चार और पांच टाइम वर्किंग एफिशिएंसी हो जाएगी। वर्किंग एफिशिएंसीज 5 4 टाइम एफिशिएंसीज हो जाएगी, तो 5x इज इक्वल टू 20 दिन में करता है शशि, x इज इक्वल टू 4। चार टाइम में करती है तो मैं 4 टाइम में करती है एंड एक्स इज 4 तो 4 इंटू 4 इज 16 डेज। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड हियर इज दिस प्रॉब्लम। So now at last try to solve this problem yourself for your practice and this is a question। एक आदमी एक औरत एक लड़का किसी कार्य को 20 30 60 दिन में करते हैं, दो आदमी 8 औरत कितने दिन में पूरा करेंगे जब 2 दिन पहले काम हो जाना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन, हेयर इज द सोल्यूशन। 16 है ये, 3 टाइम 2 टाइम एफिशियंट है, 2 मैन और 8 वोमेन एंड किसी के 3 और 8 वोमेन टोटल आदमी लेट एक्स मान लेते हैं टोटल वर्क 60 है तो ये 30 हो गया, तो 8 रख देंगे तो 30 हो जाएगा एंड दिस इज द प्रॉब्लम। ओके हियर इज अनदर क्वेश्चन, ए भी मिलके 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में करेगा। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर एंड दैट इज ए कोई कार्य को बी के दोनों दोगुनी तेजी से करता है, दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए इज ए 2 टाइम एफिशिएंट है, बी 1 टाइम एफिशिएंट है, 1 डे वर्क ए और बी 2 जमा 1 3 यूनिट करते हैं, टोटल वर्क 36 यूनिट होगी। तो कहता है कि बी कितने दिन में करेगा, बी 1 टाइम एफिशिएंट है तो 36/1 हो जाएगा। दिस इज एंड दिस इज अनदर सॉल्यूशन हियर इज। ओके वी कैन से दैट 1/2 1/3 करके भी कर सकते हैं एंड दिस इज अनदर प्रॉब्लम। ए किसी कार्य में 20 से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट, दिस इज प्रॉब्लम एंड हियर इज दिस इज द क्वेश्चंस। बी 60 टाइम कर सकता है, 30 टाइम्स है, दिस इज 3 टाइम एक्स टाइम टाइम एफिशिएंसी एक्स और 3x हो जाएगा। बी 60 दिन में करता है तो 3x = 60x = कितनी ज़्यादा करता है तो 3x - x = 60 2x हो जाएगी। x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, 3x dx आ जाएगा और यहाँ से वैल्यूज इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज वेरी राइट प्रॉब्लम्स। हियर इज ऑल्सो ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक दक्ष है, क्यू को उसी कार्य करने में कितनी क्षमता लगेगी। तो दिस इज वेरी राइट सोल्यूशन इज हियर, यू कैन सी दैट पी क्यू, पी 100%, क्यू 150% है, 2 और 3 एफिशिएंट है। अब क्यू पी से 50% है, क्यू सी कार्य पी 9 दिन में कर सकता है तो 3x = 9 हो जाएगा। अगर एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2x 6 और 3x 9, तो क्यू कितने में करता है, कार्य क्षमता 2x है। सो दैट इज द राइट सोल्यूशन। ओके दिस इज द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव सीन हियर एंड दिस इज द शशि एंड दिस इज ऑल राइट प्रॉब्लम्स इज हियर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ, this is for you guys, try to solve all these problems yourself at home, okay।